नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीन की सबसे बुजुर्ग महिला अली मिहान सियाती का शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में 135 साल की उम्र में निधन हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। देश के प्रचार विभाग के अनुसार काशगार प्रांत में शुले काउंटी के कॉम कसरिक टाउनशिप निवासी सेयती का जन्म 25 जून 1886 को हुआ था। बताया जा रहा है कि वह इलाका लंबी उम्र के लोगों के लिए जाना जाता है। यहां पर बड़ी संख्या में बुजुर्गों की उम्र 90 साल से ज्यादा की है। आंकड़ों के अनुसार यह देश की सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर थी। अली मिहान सेयती के परिजनों का कहना है कि वो सामान्य जीवन जीती थी और समय पर अपना खाना खाती थी। इसके अलावा उन्हें रोजाना धूप सेकना बहुत पसंद था। इतनी ज्यादा उम्र के बाद भी उन्हें अपने परपोते की देखभाल में मदद करते हुए देखा जाता था। कॉम कसरिक को एक दीर्घायु शहर के रूप में जाना जाता है, जिसमें 90 साल से ज्यादा उम्र के कई बुजुर्ग रहते हैं। खबर के अनुसार स्थानीय सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए अनुबंधित डॉक्टर सेवा, मुफ्त वार्षिक शारीरिक जांच और मासिक सब्सिडी प्रदान की है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।